बीजेपी ने किया विरोध, फिर भी अजीत पवार ने क्यों दिया नवाब मलिक को टिकट, खुद बताया। कहा, मैंने मुस्लिमों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच सभी छोटे बड़े दल अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। इस बीच एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने भी अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के बीड़ में अजीत पवार ने दावा किया कि वह एनसीपी से 10% मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। वहीं अजीत पवार ने एनसीपी से नवाब मलिक को टिकट क्यों दिया, इस बारे में भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं उम्मीदवार देने के समय मुस्लिम समाज को अपनी पार्टी के कोटे से 10% टिकट देने का वादा किया था। मुंबरा से नजीमुल्लाह को उम्मीदवार बनाया, नवाब मलिक को टिकट दिया। इस बात का बहुत से लोगों ने विरोध किया, फिर भी मैंने टिकट दिया और प्रचार में भी गया। उनकी बेटी सना को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी चुनावी मैदान में उतारा है। हसन मुशरीफ और शेख को भी एनसीपी प्रत्याशी बनाया गया है। अजीत पवार ने कहा दिए मुस्लिम उम्मीदवार। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने ऐसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं जहां वे जीत सके, ये हारने वाले उम्मीदवार नहीं है। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने दिखावे के लिए नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया है, हालांकि इसका बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, बोल के नहीं करके दिखाया। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने आगे कहा, जो बोला था वो कर दिखाया। मैंने 10% मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने की बात कही थी, सिर्फ बोलने का नहीं करके दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए मेरी अपील है कि मुस्लिम समाज ये सारी चीज़ें ध्यान दे।